हेलो एवरीवन, आज मैं एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। तो अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में, और दोनों ही बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल के लिए। अब ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, और प्लांट्स किस तरीके से नाइट्रोजन को लेगा तो सारा स्टडी और ये जो साइकिल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेटली यहाँ पे इसके सिंबल्स भी हमको लर्न होने चाहिए। नाइट्राइट जो कि जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, NO2-, और नाइट्रेट जो कि होता है NO3-, और यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं और क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो अब सबसे पहले हमको ये तो पता है कि जो हमारा अमोनिया है वो पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, और उसके बाद कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्योंकि अमोनिया हार्मफुल है, प्लांट्स उसको नहीं ले सकते, तो इस आयंस की फॉर्म में लेते हैं। एंड क्योंकि साइकिल है, ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाएगा तो फिर से इसकी रिडक्शन होने लगती है, ये दोबारा से नाइट्राइट बन जाता है, और फाइनली धीरे धीरे ये दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब यहाँ पे ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब जो कन्फ्यूजन होता है कि नाइट्राइट और नाइट्रेट को लर्न करने में, तो कैसे लर्न करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्राइट में। अब हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। नाइट्राइट में अगर मैं देखूँगी तो दो टाइप के वॉवल्स हैं, एक तो आई है और एक ई है, तो यहाँ पे दो टाइप के मिल रहे हैं। नाइट्रेट में अगर मैं देखूँगी तो आई, ए और ई, तो तीन टाइप के हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रेट हो जाएगा NO3- और नाइट्राइट हो जाएगा NO2-। थैंक यू।